फ्लैशबैक। मेरे फ्रेंड्स ने बोल रहे थे कि आपके पास एक बहुत ही बढ़िया से एक लाइट स्ट्रिप आया है। क्या बोला तूने? हाँ, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि वो म्यूजिक के साथ भी वो लाइट जो है वो प्ले होता है और चेंज होता है जो कलर है। हाँ, वो बेसिकली बियॉन्ड कंपनी की तरफ से और बहुत ही तगड़ा सा एक LED लाइट स्ट्रिप है जो म्यूजिक के साथ भी सिंक हो जाता है, जिससे जो लाइट का जो कलर है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कितने हद तक हमको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो वाले LED स्ट्रिप लाइट्स में। तो बने रहिए इस वीडियो पे। Hey, what's up my people? I am Anirban and back here with another brand new video on my channel. And guess what we have today to unbox? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास आ गया है बियॉन्ड कंपनी की तरफ से बहुत ही एक फीचर लोडेड सा स्ट्रिप लाइट। ये एक RGB स्ट्रिप लाइट भी है, उसके साथ साथ इसको आप वाईफाई के साथ, आपके एलेक्सा के साथ, आपके गूगल होम के साथ, सारे डिवाइसेस के साथ, सारे वॉइस असिस्टेंट्स आते हैं उनके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 16 मिलियन कलर शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जो आपके एक से भी ज्यादा ये कलर चेंज कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एंड सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट राइट इनटू इट। अगर आप अभी जाके इनके वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से जाके अगर आप इसको परचेस करते हैं अभी के टाइम पे, तो आपको 70% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इस वाले LED स्ट्रिप लाइट में। और उसके साथ साथ अगर आप मेरा इस वाले प्रोमो कोड को यूज करते हैं जो है Anirban100 करके, तो आपको और भी फ्लैट 100 रुपीज का जो मतलब डिस्काउंट वगैरह होते हैं वो देखने को मिल जाएगा आप। तो फिलहाल बॉक्स को पहले खोल लिया जाए और परचेज लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इनका खुद का वेबसाइट भी है और ये अमेजोन पे भी सेल करते हैं, तो आपको सारी जगह पे इनके प्रोडक्ट्स लिस्टेड हुए देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बॉक्स, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि बॉक्स इनका जो है मतलब बहुत ही एक प्रीमियम टाइप का बॉक्स, और मैंने कभी भी एक स्ट्रीट लाइट के लिए इतना सुंदर पैकेजिंग मतलब मैंने आज तक नहीं देखा है। बहुत ही एक अच्छा सा पैकिंग करके इन्होंने भेजा है और इनका पैकेजिंग का जो स्टाइल है, जो क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया सा हमको देखने को मिलता है। और जैसे कि आप देख पा रहे कुछ पेपर वर्क्स दिए हुए हैं और उसके साथ साथ आपको सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और कैसे इसको यूज़ करते हैं मैं तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो को ना भी देखते थे तब भी आप जाके बहुत ईजिली इनको इंस्टॉल कर सकते थे, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में आपको इधर पेपर में समझाया गया हुआ है कि कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास ये दोनों पैकेज आए हैं और हर एक पैकेट में मेरे को 5 मीटर का जो LED स्ट्रिप लाइट है वो देखने को मिलता है, और दोनों में मतलब इन टोटल मेरे को 10 मीटर्स का जो LED स्ट्रिप लाइट है वो भेजा गया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी बहुत ही अच्छे से पैकिंग होके मेरे पास आया है। और तो फिलहाल के लिए इन दोनों को ही साइड में रखते हैं और जो एक एक है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से मतलब रोल करके इनको पैक करके भेजा गया था मेरे पास, और दोनों ही मतलब लाइट्स जो है वो RGB लाइट्स हैं और ये बहुत ही अच्छे से वर्क भी करते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे ये आपको इंस्टॉल करने हैं, कैसे आपको सेटअप वगैरह करने हैं ऐप के द्वारा, सारे चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसका जो इंस्टॉलेशन है मतलब भाई साहब बहुत ही सिंपल है और मतलब कोई सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा इसको इंस्टॉल करने में, और आपको मतलब भूल ही जाएंगे कि प्रीवियसली आप जितने सारे भी LED स्ट्रिप लाइट्स यूज़ किए हैं उन सबसे बेहतर और मतलब एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है इसका जो मेन एडाप्टर है और इसको भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इंस्टॉलेशन पूरा दिखाऊंगा आपको। जी, इसका जो मेन एडाप्टर का जो पिन है वो बेसिकली कंट्रोलर के पिन के साथ अटैच हो जाता है। उसके बाद आपको दोनों पीसेस को मतलब एकदम एरो के साथ मतलब अलाइन करके मतलब आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, और इसमें आपको दोनों टाइप के मतलब कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप मतलब एक ही जगह पे ज्यादा लाइट का अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप दोनों लाइट्स को ऐसे मतलब आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको लंबे मतलब डिस्टेंस तक इसको यूज करना है तो आप इजीली इनको आपस में ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया है।
और उसके साथ साथ जो तीसरा रीजन है वो है कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको दोनों माउथ पीस देखने को मिल जाते हैं, और इससे क्या होता है कि अगर आपके एलईडी स्ट्रिप लाइट को सपोज कि मान लीजिए जो एडेप्टर है उसको आप कोई से भी कोने पे लगाते हैं, आपको इधर जो ग्लू का स्टिकर है वो भी देखने को मिलता है, वो कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी कॉर्नर्स पे आपको इसको यूज कर सकते हैं, और इसका जो ब्राइटनेस है वो भी आप मतलब कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, आप रिमोट से भी चेंज कर सकते हैं, और आपको बहुत सारे अदर मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फेड हो गया, फ्लैश हो गया, स्टॉर्ब हो गया, स्मूथ हो गया। ज्यादातर लोकल कंपनीज के जो भी एलईडी स्ट्रिप लाइट्स आते हैं ज्यादातर हमको मार्केट में देखने को मिलते हैं, उसमें हमको पर मीटर के हिसाब से 30 एलईडीज की 35-40 एलईडीज का हमको जो प्रोविजन है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस वाले एलईडी स्ट्रिप लाइट में हमको अप्रोक्सीमेटली 60 एलईडीज पर मीटर देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप कंट्रोलर के साथ इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो आपको मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 120 एलईडीज का पर मीटर में आपको जो ग्लो है, जो ब्राइटनेस है वो देखने को मिलता है। इसको ऐप से कनेक्ट करना उतना ही इजी है जैसे कि इसको मतलब फिजिकली कनेक्ट करना, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपको सिंपली जो क्यूआर कोड्स वगैरह दिए हुए हैं उसको स्कैन करना है और आपका एप्लीकेशन आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, बोथ इन केस ऑफ iOS एज वेल एज इन केस ऑफ एंड्रॉयड। तो मैंने आपको पूरा जो सेटअप है वो एंड्रॉयड पे दिखाया है। तो ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका अकाउंट सिंपली क्रिएट कर लेना है, क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली आपको लॉग इन कर लेना है फॉर द फर्स्ट टाइम। लॉगिन करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो जिधर आपको ऐड डिवाइस करके, ऐड डिवाइस करने के बाद आपको उसके बाद ये जो लाइट है इसको आपको 3 बार कंटिन्यूसली स्विच ऑन एंड ऑफ करना पड़ेगा 1 सेकेंड गैप देके बीच में। उसके बाद ये पेयरिंग मोड पे चला जाता है जिधर आपको इसको मतलब पेयर करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसको पेयर कर सकते हैं। आपको पहले वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है जो लाइटिंग का जो ऑप्शन आता है उसमें। उसके बाद आपको जब भी ये स्लोली ब्लिंक करेगा तो स्लोली ब्लिंक का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको वाईफाई के साथ इसको कनेक्ट करने का आपको मतलब पूछा जाएगा कि किस वाईफाई से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, और अगर कोई सा भी परमिशन मांगे तो आप इजीली इसको अलाउ कर सकते हैं। तो वाईफाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका अगर 4G नेटवर्क है वाईफाई का तो वही आप कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपको आपका खुद का जो डिवाइस है आपको स्मार्ट करके एक कोड आएगा उससे आपको सिंपली कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इधर शो करेगा कि ये स्कैन कर रहा है आपको जो डिवाइस को, और बहुत ही मतलब चुटकियों में ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा स्कैन लेगा और आपका पूरा जो कलर पैलेट है और पूरा जो इंटरफेस है आपके सामने खोल के ओपन हो जाएगा। इधर से आप खुद के मतलब हिसाब से कोई सा भी कलर आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप शेड्यूल कर सकते हैं जो ऑन एंड ऑफ है, वाईफाई से भी काम करता है और तो आप इसको रिमोटली ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने ऐप से इसको मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, और आपको जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आपको 16 मिलियन कलर शेड्स देखने को मिल जाएंगे जो मतलब लगभग देखने को नहीं मिलता है बहुत सारे एलईडी स्ट्रिप लाइट्स में। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको एक बार एलेक्सा का भी जो स्किल है उसको भी एक बार लिंक कर लेना है, वो भी बहुत ही सिंपल है जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आपको स्टेप्स सिंपली फॉलो करने हैं जिससे क्या होगा कि आप एलेक्सा के डिवाइस को यूज़ करके भी इसको वॉइस मतलब कमांड दे के भी इसको आप मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कलर चेंज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर आपको सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, और जो भी नाम आप सेट करेंगे उस नाम के हिसाब से आपको एलेक्सा को कमांड देना पड़ेगा। और स्ट्रिप लाइट के जो क्वालिटी है वो तो मेरे को बहुत ही अच्छा देखने को मिला, और इसके पीछे के साइड में भी आपको ऐसे टाइप के नील कलर में एक टेप देखने को मिल जाएगा जो आप बहुत ही इजीली इसको इधर से रिमूव कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद रिमूव करने के बाद आप कहीं पर भी इसको मतलब स्टिक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एलईडी स्ट्रिप लाइट में आपको इस टाइप के जो शोल्डरिंग्स वगैरह दिए हुए हैं, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर से आप एकदम मिडिल के साइड से अगर आप कट करते हैं तो मतलब आप इसको जितना बार हो सकता है आप इसको रीयूज कर सकते हैं, तो आपको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं पर भी आप अगर छोटे से जगह पे आपको इसको यूज करना है तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम इसका जो वाटर रेजिस्टेंस की बात करें, हाँ ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, आपके वाटर स्प्लैशेस से ये एलईडी का कुछ भी नहीं होगा जो एलईडी स्ट्रिप लाइट्स जो है, जो एलईडीज जो आपको दिख रहे हैं इधर। एलेक्सा टर्न ऑन माय स्टूडियो लाइट्स। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर देखने को लग रहा है हमारा जो बैकग्राउंड जो है टीवी का, कितना सुंदर, और इसका जो एम्बियंस है मतलब बहुत ही कूल देखने को मिलता है हमको। और अगर आप चाहते हैं तो आप बोल के भी इसका ब्राइटनेस भी कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल एलेक्सा डिम द स्टूडियो लाइट्स टू 50%। ओके, उसके बाद कलर चेंज की बात करें तो एलेक्सा चेंज द स्टूडियो लाइट्स कलर टू ग्रीन। ओके, मैं आपको कुछ गाना प्ले करके भी दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप सुन लीजिए एक बार।
fail that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, make it good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot again. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Turn off my studio lights. Okay. तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपका जो इंस्टॉलेशन है वो हो गया है। बहुत सारे जगह पे मैंने इसको यूज करके देखा है और जो आइडियल जो प्लेसेस है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके फॉल सीलिंग मतलब है घर पे, तो फॉल सीलिंग के जो एजेस वगैरह होते हैं, जो इनसाइड एजेस होते हैं, उधर आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप टीवी स्टेशन जो वगैरह होते हैं, जो टीवी के बैक साइड में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो आप उधर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपका कोई से भी स्टूडियो वगैरह है तो उसके लिए तो ये बहुत ही एक एसेंशियल आइटम होता है, क्योंकि इसका जो फील है, जो लुक है, बहुत ही एक अच्छा देखने को मिल जाता है हमको। कोई भी हाइलाइटिंग एरिया वगैरह है तो उधर भी जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नो मेजर इश्यूज़ विद दैट। बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है और कुछ चीज़ों के लिए मेरे को ये इतना पसंद आया वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत ही ईजी इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन का कोई सा भी आपको झंझट नहीं होगा। उसके साथ साथ इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है और इसका जो म्यूजिक सिंक का जो ऑप्शन है वो तो मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ऑटो ऑन ऑफ का सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, वो भी बहुत ही एक अच्छा चीज है और ज्यादातर एलईडी स्ट्रिप लाइट्स में हमको देखने को नहीं मिलते जो हमको इसमें देखने को मिलता है। अगर आपका कोई सा भी घर पे आप पर्सनलाइज कुछ मतलब चीजें बनाना चाहते हैं, कुछ आपके मन के हिसाब से आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इसको मतलब ले सकते हैं। इससे आप कोई सभी कस्टमाइजेशन वगैरह हो सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंट भी है, साथ में आपको इसमें 1 ईयर का वारंटी भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ जो लास्ट वाला जो चीज है, इसका जो ब्राइटनेस है, जो फील है, वो भी बहुत ही मेरे को अच्छा देखने को मिला। वाईफाई से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, एलेक्सा जो फीचर है वो भी हमको देखने को मिल जाता है, तो सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप मतलब कोई सा भी एक बजट फ्रेंडली प्राइस में इसको मतलब कोई सा भी स्ट्रिप लाइट ढूंढ रहे हैं तो दिस कैन बी अ वेरी आइडियल चॉइस फॉर यू।